वार्ड में सब लोग का राशन कट गया, उसके बाद नाली गाली सब भ्रष्ट है यहाँ पे। 1 और 45 आज से नहीं है, 10 साल से हम लोग झेल रहे हैं। जाली और फर्जी वोटर बनाकर यहाँ से वहाँ से बस से उतारते हैं लोग, और जबरन सेटर करके हम लोग रोकते हैं तो हम लोग पर लाठी बरसाया जाता है। तानाशाही खत्म होगी यहाँ से, तानाशाही खत्म जी। वार्ड नंबर 45 में केवल तानाशाही वाला काम होता था, अब ये जर्जर स्थिति हो गया था वार्ड नंबर 45 के। काम के नाम पर पैसा उठ जाता था, काम भी नहीं हुआ है। हर हमारे गली मली मोहल्ले में गाली नाली सब समर्थन में है, और नली गली कुछ नहीं बन रहा है। ऐसे ही शपथ लिया है कि हम बनाएंगे, जनता को काम करेंगे, कार्ड बनवाएंगे। हाँ, इन्हे उन्हें उठ के हुआ है सबको। देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल, और मैं हूँ अशोक तिवारी। इस वक्त वार्ड नंबर 45 में है, और हम आपको बता दें कि वार्ड नंबर 45 की आम जनता ने यहाँ पे फुलपातो देवी को अपना वार्ड पार्षद के रूप में चुना। उनके पुत्र हैं हमारे साथ तिलक जी, क्या कहेंगे, ज़बरदस्त जीत हासिल हुई, और तमाम नौजवान साथियों के सपोर्ट से आपने जिस तरह का एक जीत हासिल की, क्या कहेंगे लोगों को? मैं तो अपने पूरे वार्ड नंबर 45 की जनता को सबसे पहले बधाई देता हूँ, इसलिए कि हमको सब लोग साथ देकर हमें इस वार्ड से पार्षद बनाए। अच्छा, कैसे कैसे आपको लगा था कि आप चुनाव जीत जाएंगे? चुनावी मैदान में आप आए थे, ज़बरदस्त लड़ाई थी कहीं ना कहीं। जो जिस तरह का यदि चुनाव देखा जा रहा था, तो वार्ड नंबर 45 में अपने आप में एक भयंकर लड़ाई देखी जा रही थी, फिर भी आपने जीत हासिल किया, क्या मुद्दा है, क्या कहेंगे? मुद्दा यही था कि हमको, हम स्वयं खड़े नहीं हुए थे, हमको जनता ने कहकर खड़ा कराई थी। जनता हमारे वार्ड नंबर 45 के त्रस्त हो गए थे, यहाँ के वार्ड पार्षदों से जो भी हो, इसलिए कि यहाँ 10 साल से जर्जर स्थिति हो गया था वार्ड नंबर 45 के। काम के नाम पर पैसा उठ जाता था, काम भी नहीं हुआ है। हर हमारे गली मली मोहल्ले में गाली नाली सब बहता है रोड पे, इसलिए एक मुश्त होकर हमारे हमको जनता सपोर्ट किया है। काम के नाम पर पैसा उठ जाता था, उठ गया है। अच्छा, काम नहीं होता, काम नहीं होता था, इसलिए जनता स्वयं जगा है आपकी बार। आपकी माता जी जीती, कितना वोट आया टोटल? 1069। 1069 वोट आया। अच्छा, क्या कहेंगे, चूँकि क्या क्या परेशानी आपको देखने को मिला, आपके वार्ड में क्या क्या परेशानियाँ दिखी? मेरे वार्ड में सब लोग का राशन कट गया, उसके बाद नाली गाली सब भ्रष्ट है यहाँ पे। 1 और 45 आज से नहीं है, 10 साल से हम लोग झेल रहे हैं। जाली और फर्जी वोटर बनाकर यहाँ से वहाँ से बस से उतारते हैं लोग, और जबरन सेटर करके हम लोग रोकते हैं तो हम लोग पर लाठी बरसाया जाता है बूथ पर, और बस से उतार कर वोट मरवाया जाता है। लेकिन अब की बार हमारे वार्ड नंबर 45 का जनता एकदम बिल्कुल अड़िल थी, और अड़िल होकर हमको सपोर्ट किए, इसलिए हमने इस सीट को निकाला। बहुत सुंदर। तो आप देख रहे हैं, ये आप माता जी हैं? हमारे चाची जी। अच्छा, चाची जी हैं। अच्छा, तो आप देख रहे हैं फुलपातो देवी वार्ड नंबर 45 से विजयी हुई, और जिस तरह का चुनाव था, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि लड़ाई कोई दूसरा जीत कर ले जाएगा, लेकिन जिस तरह तिलक जी ने लगातार अपने नौजवानों के साथ, जितने भी युवा साथी है तब सब लोगों के साथ जिस तरह का जीत हासिल किया है, कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया गया है। हालांकि मैं बताऊं कि वार्ड नंबर 45 की नहीं, टोटल जितने भी वार्ड है आरा नगर निगम में, टोटल 45 वार्ड है, और ये आखिरी वार्ड है 45 वार्ड। तो इस वार्ड में ही नहीं, लगातार मैक्सिमम वार्ड में बदलाव हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं, चूँकि जनता अब की बार परिवर्तन की है, चूँकि जनता चाहती है कि परिवर्तन करके देखा जाए, शायद ये लोग विकास करें। अब रही बात, 5 साल तक जनता ने इनको अपना वार्ड पार्षद चुन लिया है, कहाँ तक ये क्या विकास करते हैं वो तो देखने वाली चीज़ है, लेकिन जिस तरह का युवाओं में एक विश्वास है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फुलपातो देवी के नेतृत्व में और इनके पुत्र जिस तरह तमाम परेशानियों को लेके और समाज के सामने आए थे और चुनाव लड़ा और इन्होंने जीता, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास। क्या कहेंगे आप लोग, क्या लगता है तिलक जी के नेतृत्व में कैसा काम होगा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम होगा। तानाशाही खत्म होगी यहाँ से, तानाशाही खत्म जी। वार्ड नंबर 45 में केवल तानाशाही वाला काम होता था, अब ये सब नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि जनता हमारे गाँव के है, तिलक पासवान के सबको समर्थन में है, और नली गली कुछ नहीं बन रहा है। ऐसे ही शपथ लिया है कि हम बनाएंगे, जनता को काम करेंगे, कार्ड बनवाएंगे। हाँ,
एने उने वोट के हुआ है सबको इकट्ठा करेंगे जल्दी हम कोई गरीब के नहीं कुछ बनल सबके राशन कार्ड काट दिले बन वृद्धा पेंशन काट दिले बन मैंने कुछ नहीं कैले पातो देवी बढ़िया काम करेगी ना हाँ करेगी विश्वास है ना हाँ विश्वास है क्या कहेंगे हम तो यही कहेंगे कि जो मेरा बड़े भाई हैं तिलक पासवान हमारे मेरे बड़े भाई हैं उनको शपथ है कि हम गांव का विकास करेंगे जो भी करेंगे सच करेंगे हमको आगे पीछे सब देखना है जो करना है सही करना है हमारा गली नली सब रास्ता सब देखना है एकदम रास्ता सही करना है। चलिए तो तिलक पासवान हैं और तिलक पासवान की माता फूलपातो देवी यहाँ की वार्ड पार्षद बनी वार्ड नंबर 45 में नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद फूलपातो देवी बनी और उनके पुत्र हैं तिलक पासवान जिन्होंने शपथ लिया है कि हम अपने वार्ड में विकास की गंगा बहाएंगे। अब देखना है कि 5 वर्षों में विकास की गंगा किस तरह बहाते हैं और उसके बाद हम यहां के लोगों से पूछेंगे कि 5 वर्षों में तिलक पासवान ने क्या काम किया है, इनकी माता जी फूलपातो देवी ने क्या काम किया है।